जिस समय उनको दिन में लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में उनको ले आया गया था इमरजेंसी में, इमरजेंसी टीम ने देखा तत्काल उस समय, तो उसी समय जब आए थे उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रेस्पिरेटरी रेट लगभग 60 पर मिनट था, उसका रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा था, ब्रेथलेसनेस थी, और उनका उस समय देखा है बीपी देखा गया, बीपी ब्लड प्रेशर बहुत कम था, बहुत डाउन था, 70 मिलीमीटर मरकरी था। तत्काल उनको फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आईसीयू में तुरंत एडमिट कराया गया था इमिडिएटली, और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे उस समय, और पूरी टीम आईसीयू में वैसे भी 24 आवर्स वहाँ मॉनिटरिंग होती, 24 आवर्स पूरी टीम रहती है। देखा गया ईसीजी देखा गया, तभी उसको और एंजाइम टेस्ट किए गए, और उससे कन्फर्म हुआ कि उनको सीवियर MI हुआ था, और साथ में इसके बाद उनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर भी था, कार्डियक फेल्योर, जिसके कारण पल्मोनरी एडमा था। इसी कारण से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बहुत कम था, ऑक्सीजन सेचुरेशन मात्र 70% था, और ब्लड प्रेशर की दवाई, फिर इस पूरा ट्रीटमेंट पूरी टीम के द्वारा सब मेरी लगातार लगातार मेरी बात हो सभी से हो रही थी, कार्डियोलॉजी से दो तीन तीन हमारे कार्डियोलॉजी अलग सभी से बात हुई, तो उसमें कोशिश किया पूरी तरह से कि ब्लड प्रेशर किसी से मेंटेन हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑक्सीजन देने के बाद उनका 80-85% तक पहुंचा था। इसके बाद भी देर रात तक उनको ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगा, तो उनको बाईपैप सपोर्ट पर रखा गया। अल्टीमेटली फिर उनको लगभग 12 बजे के आसपास उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, और पूरी टीम अपनी पूरी कोशिश किया, क्योंकि आईसीयू वहाँ इंटेंसिव के यूनिट में तो ऑलरेडी सभी लोग उसमें मौजूद रहते हैं, 24 आवर्स मॉनिटरिंग कर रहे थे, बेस्ट एफर्ट किया, लेकिन 1 बजे के आसपास उनको उनको डेथ हो गई थी। सर, अगर पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो कैसे पूरी की जाएगी? उसमें TMCMO के द्वारा की टीम गठित कर दी गई है, और उनके द्वारा वो किया जाएगा, उसको वीडियोग्राफी भी की जाएगी, उनको पोस्टमार्टम को किया जाएगा, जिससे कि उसमें भी पता लग सके। वैसे उनको तो हमारे जो टेस्ट हैं जो मौजूद थे उससे उनको तो कन्फर्म नहीं है, उनको कार्डियक इन्फार्क्शन हुआ था। सर, जेल प्रशासन की तरह ये भी कहा गया था कि उनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी, तो क्या ये भी इस हार्ट अटैक का एक कारण हो नहीं, वो सकता है? हार्ट अटैक का वो देखिए इस समय हार्ट अटैक एज के बाद ये ब्लड प्रेशर की पहले से हो सकता बीमारी रही हो, लेकिन ये तो जांच के बाद और पुराना हिस्ट्री देखा जाएगा कि किस क्या और बीमारियां थी, लेकिन जिस समय आए थे उस समय उनको सीवियर उनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था, और साथ में कार्डियक फेल्योर पे थे, जिसके कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी।